The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, हर इंसान जानना चाहता है कि अगर उसको हो गया कोरोना वायरस तो उसके साथ क्या होगा, क्या सलूक हो गया, उसका क्या अंजाम होगा. और डर के साथ साथ गलत जानकारियां भी बहुत है. और ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कोरोना वायरस के सिम्टम है तो आपके यहाँ पे गवर्नमेंट ने, आपके सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या सिस्टम बनाया है कि कोरोना के पेशेंट्स के साथ आगे का कैसे, क्या उनको कहाँ रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा. तो वो सिस्टम आ चुका है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे, जिसको हम आज आपको समझाएंगे ताकि आपको समझे कि भाई आपके साथ क्या होने वाला है. मेडिकल लैंग्वेज है तो उसको आसान भाषा में हम करके आपको बताएंगे. सो देखिए, कोरोना वायरस के लिए बहुत सिंपल सा क्राइटेरियाज है, बहुत सिंपल है. वहाँ पर दो चीज़ें हैं. नंबर एक तो सस्पेक्टेड केस है, जो खुद ब खुद एक पेशेंट है जो खुद कोरोना की डेडिकेटेड फैसिलिटी पे आ रहे हैं अपना चेकअप करवाने के लिए. वेरी सिंपल, आपको लग रहा है कि आपको कोरोना वायरस है, आप गए एक कोरोना डेडिकेटेड फैसिलिटी पे अपना चेकअप करवाने के लिए कि भाई साहब मेरा प्लीज़ कोरोना वायरस का चेकअप कर दो. और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप को फीवर क्लिनिक्स जो होते हैं, फीवर क्लिनिक्स में स्क्रीनिंग किया गया कि आपको बुखार है. और ऐसे में बेसिकली ये सारे सस्पेक्टेड कोविड 19 केसेस को इकट्ठा किया जाएगा. मतलब ये सारे सस्पेक्टेड केसेस हो गए. अब इन सस्पेक्टेड केसेस को क्या करेंगे, सबके टेस्ट होंगे, बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है. लेकिन सबके टेस्ट ऐसा नहीं होंगे कि टेस्ट करो और घर चले जाओ, नहीं. उसमें कैटेगरीज हैं, तीन कैटेगरीज हैं आपके सिम्टम के अनुसार. नंबर एक, आपके सिम्टम्स बिल्कुल माइल्ड है, आपको बिल्कुल थोड़े से माइल्ड या वेरी माइल्ड फीवर है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसा है, तो फिर ऐसा एक कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं. कोविड केयर सेंटर बोले तो ऐसे होटल्स, लॉजेस, स्टेडियम्स, हॉस्टल्स ये लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पर आपको रखा जाएगा ताकि हम आपको लोगों को घोल मिल ऐसे भेज ना दे कि जाओ जाओ फैलाओ. ऐसा नहीं होगा, आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, आपको कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा, हॉस्पिटल में नहीं. हॉस्टल्स, लॉजेस, होटल्स, स्टेडियम्स, इसको बोलते हैं सस्पेक्ट केयर सेक्शन. आपका सस्पेक्शन है, सस्पेक्ट हो आप, उसका केयर हो रहा है और वहाँ रहते हुए आपका होगा टेस्ट. अब ऐसे में अगर तो आपका टेस्ट आ गया नेगेटिव तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, छुट्टी कर दी जाएगी, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा, सिंपल. दूसरा, अगर आपका आ गया पॉजिटिव तो फिर आप हो गए कन्फर्म्ड केस. कन्फर्म्ड केसेस को कन्फर्म्ड केस सेक्शन कोविड केयर सेंटर में डाला जाएगा. सो एक है सस्पेक्टेड केस सेक्शन, एक है कन्फर्म्ड केस सेक्शन. याद रखिए, कन्फर्म्ड केस सेक्शन मतलब जहां पर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आपकी मॉनिटरिंग होगी, डेली शिफ्ट होगी और आपका हो सकता है आपको हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जाए, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में या डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, डिपेंडिंग अपॉन आपके सिम्टम बढ़ रहे हैं या नहीं. मतलब आपके अंदर कोविड है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिम्टम्स बढ़ी जाएंगे. ऐसे कई सारे 80-90% लोग होते हैं जो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, उनको माइल्ड से सिम्टम होते हैं, इसलिए डायरेक्ट हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करेंगे आपको. फिर कन्फर्म्ड सेक्शन, कन्फर्म्ड से केस सेक्शन वाले जगह पे कोविड केयर सेक्शन में रखा जाएगा. तो एक हो गया कोविड केयर सेंटर, उसमें दो प्रकार, सस्पेक्टेड वाले अलग, कन्फर्म्ड वाले अलग. दैट इज़ वेरी गुड, ये हो गया एक स्ट्रैटेजी. फिर अगर आपके मॉडरेट सिम्टम्स हैं, मान लो मॉडरेट मतलब थोड़े ज़्यादा सिम्टम्स हैं, आपको बुखार तेज है, आपको आपके SpO2 सैचुरेशन, आपका ब्लड सैचुरेशन कम आ रहा है, या फिर आपको मान लीजिए रेस्पिरेटरी रेट, कैसे डिसाइड होगा कि आपके मॉडरेट है, उसका जो फैक्टर्स हैं, एक तो है कि आपको निमोनिया यानी अंदर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन जाने के साइन और सिम्टम है, जो वीडियो मैंने आपको अभी कल आज सुबह या आ चुका है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स का. और उसमें तीन चीज़ें देखी जाएगी, आपका रेस्पिरेटरी रेट, सांस की रेट 15 से 30 के बीच में है अगर सांस की रेट, तो दैट मींस आप मॉडरेट सिम्टम में है. मतलब एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हो. नंबर दो, वो रेस्टिंग में, यानी कि आप खुद के गिन रहे हो, दूसरा गिनता आपको बताए बगैर. और
सैचुरेशन देखा जाता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा जाता है, उसके लिए कुछ इस प्रकार के सैचुरेशन प्रोब इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको आप उंगली में लगाते हैं, उंगली में लगा के देखा जाता है कि आपका सैचुरेशन कितना है, अभी बैटरी नहीं है, राइट। सो दैट इज देयर। उसके बाद सैचुरेशन में ये देखा जाता है, अगर सैचुरेशन आपका 90% या 90-95% के आसपास है, मतलब 100% तो नॉर्मल हो गया, 90-94% तक आपका सैचुरेशन है, तो आप मॉडरेट केस माने जाते हैं। ऐसे मॉडरेट केसेस को कोविड केयर सेंटर में नहीं रखा जाता, उनको रखा जाता है डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर। नाउ केयर सेंटर और हेल्थ सेंटर में फ़र्क क्या है? हेल्थ सेंटर में आपके पास में हेल्थ केयर फैसिलिटी भी है, वो पूरा फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन सिंपल केयर सेंटर, लॉज, होटल नहीं है, वहाँ पर हेल्थ केयर डेडिकेटेड सेंटर्स हैं। वो सेंटर में भी आपके फिर टेस्ट होंगे, मॉडरेट केसेस के सबके टेस्ट किए जाएंगे। टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो आपको फिर नॉन कोविड हॉस्पिटल ब्लॉक या मैनेजमेंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आपके जो भी आपको बीमारी है, क्योंकि आपको कुछ तो है जिस वजह से आपको निमोनिया हो सकता है, आपको कोविड नहीं है, आपको दूसरा बैक्टीरियल निमोनिया, आपको फलाना ढमकाना निमोनिया, तो आपको कोविड वाले अस्पताल में नहीं भेजा जाएगा, आपको उस अस्पताल में भेजा जाएगा जहां कोविड वाले पेशेंट नहीं रखे जा, कोरोना वायरस पेशेंट नहीं रखे जा रहे, ताकि आपका वहां केयर हो सके, डायग्नोस हो सके कि आपको कौन सा इन्फेक्शन हुआ है और आपको क्या बीमारी है, राइट। सो ये हुआ वो, या फिर अगर आप ठीक महसूस कर रहे हैं, बेटर लग रहे हैं, तो क्लिनिकल असेसमेंट पे फिर आपको डिस्चार्ज किया जाएगा। दैट इज देयर अगर नेगेटिव आया मॉडरेट सिम्टम्स के साथ। अगर मॉडरेट सिम्टम्स के साथ आपका पॉजिटिव आ गया तो आपको कंफर्म्ड केस सेक्शन डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, यहां तो सस्पेक्टेड वाला और कंफर्म्ड वाला कोविड हेल्थ सेंटर भी है, जैसे सस्पेक्टेड और कंफर्म वाला कोविड केयर सेंटर है, वैसी हेल्थ सेंटर है। इसमें कोविड हेल्थ सेंटर में भी आपको मॉनिटर किया जाएगा, क्लिनिकल सीवियरिटी देखी जाएगी, और अगर आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, याद रखिए मॉडरेट केस में भी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, मॉनिटरिंग है और फ्लूइड रिससिटेशन है, अच्छा खाना है और मॉनिटरिंग है, तो वो मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर आपके सिम्टम बढ़ रहे हैं तब जाके फिर आपको डेडिकेटेड आईसीयू फैसिलिटी वाले कोविड हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। याद रखिए अगर आपके सिम्टम बढ़ते हैं तो, यानी सीवियर हो जाते हैं, हो सकता है आपके स्टार्टिंग से सीवियर सिम्टम्स हो, तो स्टार्टिंग से भी सीवियर सिम्टम का क्या मतलब, कौन डिटरमाइन करेगा सीवियर सिम्टम है? सीवियर सिम्टम नंबर 1, रेस्पिरेटरी रेट। अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट, सांस का रेट आपका 30 से ज़्यादा है, मोर देन 30 रेस्पिरेटरी रेट है, या फिर प्लस आपका सैचुरेशन, जो आपका ब्लड सैचुरेशन आ रहा है SpO2 में, वो 90% से कम आ रहा है, 90% से कम आ रहा है ऑन रूम एयर, नॉट ऑन ऑक्सीजन, याद रखिए रूम एयर पे, यानी जो अभी हम सांस ले रहे हैं, अगर ऑक्सीजन पे लगाने के बाद 90 के ऊपर आ रहा है, दैट डज नॉट मीन कि हाँ भाई ठीक है। सो ऑन रूम एयर देखा जाता है सैचुरेशन, अगर वैसा 90 से कम है और आपका रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज़्यादा है, यू गो इन टू अ सीवियर कैटेगरी, उस केस में आपको डायरेक्टली डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल विथ ICU फैसिलिटी में रखा जाएगा, और ऑब्वियसली आपके टेस्ट होंगे, तो आप चाहे माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, सबके टेस्ट होंगे जो वहां जाएगा ऑब्वियसली। और उसमें अगर आपके सीवियर सिम्टम है तब भी आपका नेगेटिव आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, तब आपका क्लिनिकल असेसमेंट होगा कि आपको क्या बीमारी, हो सकता है हार्ट अटैक हो रहा हो सकता है दूसरे बैक्टीरियल निमोनिया हो रहा है, हो सकता है आपका अस्थमैटिक अटैक हो रहा है, COPD का अटैक हो रहा है, फलाना फलाना ढमकाना, बहुत सारी बीमारियां जो सांस की दिक्कतें कर सकती हैं। सो सारे इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस लेते हुए आपको फिर नॉन कोविड वाले अस्पताल में भेजा जाएगा जहां पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं है। नॉन कोविड अस्पताल ब्लॉक, एक ही अस्पताल में दो ब्लॉक भी हो सकते हैं, कोविड वाले ब्लॉक जहां सिर्फ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, नॉन कोविड वाले पेशेंट्स, या फिर डायरेक्ट दो अस्पताल हो सकते हैं, वो एरिया वाइज डिसाइड होता है, डिपेंड होता है जितना पेशेंट लोड है। इसके बाद अगर आप सिवियरली सिम्टम सिवियर है और आपका पॉजिटिव आ रहा है, कोविड पॉजिटिव है, इन दैट केस ऑब्वियसली आपको फिर क्लिनिकल असेसमेंट के साथ पेशेंट को ICU में कोविड के मैनेजमेंट के हिसाब से मैनेज किया जाएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोविड, यानी कि जो पॉजिटिव डायग्नोस्ड कन्फर्म्ड केसेस हैं कोरोना वायरस के, उनका मैनेजमेंट बताया गया है। जी नहीं, उनका मैनेजमेंट डायरेक्टली किसी भी प्रकार के HIV के मेडिकेशन नहीं है, उनका डायरेक्टली मैनेजमेंट किसी प्रकार के अनअप्रूव्ड मेडिकेशन नहीं है, उनका मैनेजमेंट है फ्लूइड रिससिटेशन एंड एयरवे मैनेजमेंट,
वो मैनेजमेंट है। हो सकता है उनको कुछ टाइम वेंटिलेटर या फिर उनको प्रेशर ऑक्सीजन पे रखा जाए, ऑक्सीजन पे फिर प्रेशर से ऑक्सीजन पे फिर वेंटिलेटर पे, डिपेंडिंग अपॉन उनकी सिवियरिटी फ्लूइड रेसुसिटेशन किया जाए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस मैनेज किया जाए, और जैसा हमने बताया था हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, आयरन चिलेशन हो सकता है, उनको वाइटामिन सी और बाकी ऐसे सिंपल वाइटामिन दिए जाए, एंटीबायोटिक्स दिए जाए क्योंकि एडमिट हो रहे हैं आईसीयू में तो वहाँ इन्फेक्शन का खतरा होता है। और अगर फिर भी लग रहा है कि नहीं ये पेशेंट इन फलाना ढमकाना दवाइयों से बेनिफिट कर सकता है एचआईवी की या एचसीक्यूएस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो वहाँ वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि ऐसे केसेस में उसके कोई साइड इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे और ऐसे दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। तो इससे क्या साबित हुआ कि तीन खतरनाक कैटेगरी माइल्ड मॉडरेट सीवियर किसी में ऐसी दवाई इस्तेमाल नहीं हो रही अनलेस एंड अनटिल उस डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि जरूरी है, किसी में कोई जान नहीं जा रही अनलेस एंड अनटिल आप लास्ट कैटेगरी में पहुंच जा रहे हो और वहां पर भी आपको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसको फैलने नहीं देना है। अगर कम से कम लोग अस्पताल में भर्ती होंगे कोविड को लेके तो सबको वेंटिलेटर, सबको मैनेजमेंट मिलेगा। अल्टीमेटली वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, ऑल्दो हमारे रिसर्चेस में आया कि वेंटिलेटर से ज्यादा दूसरी चीजें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, आयरन चिलेशन ज्यादा हेल्प करे, ऑक्सीजन ज्यादा हेल्प करे, लेकिन ऑब्वियसली जब जरूरत पड़ेगी पेशेंट अगर बेहोश हो रहा है मर रहा है तब वेंटिलेटर तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। सो दैट्स इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू डाई, लेकिन अगर खुला छोड़ दिया आप लोगों को सबको लॉकडाउन बंद कर दिया तो एकदम से इतनी भीड़ आ जाएगी अस्पतालों में कि ये जो थोड़े से वेंटिलेटर हैं थोड़े से बेड है अस्पताल के वहां पे 10 में से 5 लोगों को बेड नहीं मिलेगा। और सोचो अगर आपके किसी रिलेटिव को आपके किसी चाहने वाले को अस्पताल में डॉक्टर ही ना मिले, बेड ही ना मिले, वेंटिलेटर ना मिले, तब आप पे क्या गुजरेगी। इसीलिए ये लॉकडाउन है, इसीलिए ये सिस्टम है सरकार की, इसीलिए आपको सुननी है। अभी जो परेशानी है है बिल्कुल माना, लेकिन ये दूसरी होने वाली परेशानी से काफी बेहतर है। सो ये होगा मैनेजमेंट एल्गोरिदम है ये आइसोलेशन और सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस का कोविड 19 के। तो अगर आपको लग रहा है आपको सस्पेक्शन है तो आप ऐसे कोविड केयर सेंटर कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटी में जा सकते हैं या फीवर क्लिनिक में जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं जाना है तो आप किसी भी अपने नोन डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर दिस नॉलेज इन्फॉर्मेशन टू एवरी वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।